प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर बात के पीछे कई बात होती है। अब वो संडे को सोशल मीडिया से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, उसके पहले ये खबर देखिए। एक रिपब्लिकन जो कि बिलियनर है, वो ट्विटर का एक बड़ा स्टेक खरीद चुका है, अब वो ट्विटर का मालिक बनने जा रहा है। लेकिन एक और खबर है, आपको पाक ओरिजिन एमपी लॉर्ड नज़ीर का वो ट्वीट याद होगा जिसमें उन्होंने कहा, झूठ फैलाया कि 4000 लोग मारे गए, 24 घंटे से ऊपर तक ट्वीट रहा। यही नहीं, एक झूठा ट्वीट ये भी कहा कि एक बच्चे को संघी लोगों ने मारा है। ये बैक टू बैक दोनों ट्वीट थे, लोगों ने रिक्वेस्ट की मगर ट्विटर ने वो ट्वीट्स डिलीट काफ़ी देर के बाद की। यही नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी कि अंकित शर्मा के भाई ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा करके लोग आए और उसके भाई को मारा। ये खबर फेसबुक और ट्विटर पे कई घंटों तक पड़ी रही, लोगों ने कहा, मगर इसको न तो फेसबुक ने हटाया न ट्विटर ने हटाया। काफ़ी बवाल होने के बाद अभी तक माफ़ी तक नहीं मांगी है। ये बहुत बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय के पीछे। हमारी जड़ें खोदने वाले ये ट्विटर और फेसबुक हमसे कमा करके, याद रखिए एक राहिल खुर्शीद था जो कि पाकिस्तानी और कश्मीरी था, जो कि ट्विटर का सीईओ रहा 2018 तक, ये सब मिल करके हमारे पैसे को यूज़ कर रहे हैं और हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। हम इन्हें पर अपना व्यापार दे रहे हैं, अपने देश में व्यापार दे रहे हैं, मगर भारत देश के साथ ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए स्वदेशी ऐप की प्लानिंग नरेंद्र मोदी ने शायद कर ली है। चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दुखद खबर है ना, हमारे सोशल मीडिया के सुपरमैन सुपर किंग मोदी जी कह रहे कि हम यार संडे को ट्विटर व्टर छोड़ के चले जाएंगे। यार स्वामी, आपको पता है ये वाली खबर सुनने के बाद मेरा रिएक्शन कैसा था? ऐसा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जय ए, रोता क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं, उत्सव की तैयारी करो। इनफैक्ट मोदी जी की वजह से न्यूज मीडिया से लेकर के सबको एक नया मसा मिला है। उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि अब भारत का अपना नया सोशल मीडिया पोर्टल ही चालू होगा जिसमें वीडियो, ट्वीट, फेसबुक सारे मजेदार होंगे। अब ये सुन के थोड़ी सी गुदगुदी तो हुई, अरे यार अब यानी यूट्यूब के साथ साथ अब जो है विधर्मियों की उस प्लेटफॉर्म पे भी बजाएंगे। वैसे फेसबुक पे अभी मैं ज्यादा नहीं बजा रहा हूँ, 1100-1200 लाइक्स ही होंगे पेज पे, द अभिषेक तिवारी शो। अरे आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो ना यार, लाइक करो यार, द अभिषेक तिवारी शो सर्च कीजिए फेसबुक पे और जा करके लाइक कीजिए यार द अभिषेक तिवारी शो को। हाँ कमाल है यार, फेसबुक पे अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों आपने। एनीवेज, खैर इस र्यूमर ने मीडिया सहित लेके सोशल मीडिया पे बैठे बैठे ये जितने ट्विटर के किंग हैं और फेसबुक के किंग हैं इनके होश उड़ा दिए। इनको भी पता है कि मोदी के साथ साथ करोड़ों व्यूअर्स, करोड़ों यूजर्स एक बार में ट्विटर को छोड़ जाएंगे। यूट्यूब पे भले उतना फर्क ना पड़े क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहां पे आप हर आदमी आता है देखने। फेसबुक ने भी वीडियो पोर्टल लॉन्च किया पर यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन टिकटॉक से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यूट्यूब का अपना है क्योंकि यूट्यूब एक कलेक्टिव चीजें देती है, तो यूट्यूब तो रहेगा मगर बाकी प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, वेकअप कॉल, आप बायस्ड होना छोड़ दीजिए। ये नहीं चलेगा कि आप राइट विंग के साथ उसके आईडीज को ब्लॉक करेंगे, वो मेहनत से लाखों के सब्सक्राइबर बनाएं, वो लाखों के फॉलोअर बनाएं और आप उनको रातों रात उनके पेज उड़ा दें। जैसे हमारा पुराना पेज ठलुआ क्लब, याद तो होगा दोस्तों, ठलुआ क्लब कितना बड़ा पेज था, उड़ा दिया गया। इन कंपनियों को मोदी जी ने सीधे सीधे एक तरह से वार्निंग दे दी है, ऐसा है कि हमारे बच्चों पे शाम से कहना छेनुआ है, आइंदा मेरे किसी लौंडे को हाथ लगाया तो पूरा का पूरा मोहल्ला उड़ा दूंगा, समझे क्या? कुछ ऐसा डायलॉग मार दिया। हाँ बे, कि अगर किसी राइट विंगर के आईडी को उड़ाया या फिर ये जो चल रही है तुम्हारी रंगबाजी सोशल मीडिया पे बैठे बैठे, हम खुद ही सोशल मीडिया छोड़ देंगे, फिर तुम देख लो मित्रों, फिर आप देखना क्या होता है। हाँ? हाँ? भाई और बहनों,
ये जो ट्विटर और फेसबुक वाले हैं ना, इन्होंने हमारे भक्तों पे अत्याचार किया है। और भक्त कह रहे हैं स्वामी साथ मत छोड़ना यार। कुल मिला के यही फंडा है कि अभी हालांकि विपक्ष के लोग तो खुशी हैं, ऐसे मौके पे भी हो सकता है पता नहीं किस मूड में लिखा हो, राहुल गांधी जैसे आदमी ने ट्वीट किया और अपनी आदत नीचता जो एक खून में है ना वो दिखा दी। सोशल मीडिया छोड़ के मत जाइए, अपनी हिंसा की प्रवृत्ति छोड़िए, बताइए कुछ ऐसा ही। मतलब आरएसएस और ये हिंसा करते हैं, ये 47 के दंगे, 67 के दंगे, 71 के दंगे, 77 के दंगे, 84, 87, 89 सब दंगे कब हुए? कांग्रेस शासनकाल। यानी कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा थी इंदिरा गांधी दंगाई थी, नेहरुआ दंगाई था, यही कहना चाहते हैं? ओ सॉरी, नेहरू जी दंगाई थे, निकल जाता है, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। ये लोग दंगाई थे। हमारे सबसे बेस्ट जो मोदी जी हैं उनकी ट्रोलिंग की भी अलग लेवल है। पाकिस्तान को बम से मार रहे होते हैं, एयर स्ट्राइक करा रहे होते हैं और पूरी दुनिया को गांधीवाद पे प्रवचन करते हैं। मित्रों गांधी जी जो है ना, मित्रों गांधी जी ने हमें अहिंसा का सीख दिया। वहां पाकिस्तानी बम से गिर रहे, मगर मोदी जी तो मोदी जी है, वो गांधी जी पे, मित्रों गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए चले गए। पाकिस्तान बोला यार ये क्या यार, ये पूरी दुनिया के आगे हमें पीट रहा है और ऊपर से कह रहे हैं हम तो अहिंसावादी है, गांधीवादी है। दुनिया का हर एक देश चाहता है कि हमारे पास ऐसा पीएम, दुनिया का हर एक देश चाहता है जो पीएम संवाद करे तो हमसे डायरेक्ट करे। सोशल मीडिया पे मोदी जी के रहने का मतलब ही था कि हमसे आपसे संवाद, आम आदमी से जिस तरह से उनकी जो कनेक्टिविटी, आपको इमोशनल कर देंगे, आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा ये जो पीएम है, ये जो इंसान है, ये देवदूत। मुझे भी ऐसा लगता है हमेशा कभी कभी, यार मोदी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीएम। अब तो खैर श्योर भी हो गया हूं कि यानी मोदी जी इस देश में पैदा हुए तमाम पीएमओ में से, मैं अटल जी से, माफ करना दोस्तों आपको बुरा लग सकता है, पर एक कदम आगे, क्योंकि अटल जी राम थे, उनके अंदर क्षमा थी, ये थी। मोदी जी आपने जिस हिसाब से किया है, जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको फल देंगे आप, इसलिए मोदी जी पसंद है, इसलिए मोदी जी लोगों को भाते हैं। अब मोदी जी सोशल मीडिया से चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ट्विटर सुना हो गया, फेसबुक सुना हो गया, फिर उनके करोड़ों भक्त क्या करेंगे, हम भी छोड़ देंगे, जहां मोदी जी जाएंगे वहीं जाएंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यूट्यूब चलता रहेगा दोस्तों, आपके सब्सक्राइबर्स के साथ मैं छोड़ के नहीं जा रहा, यूट्यूब चलेगा, क्योंकि मैं भी वो जो सोशल मीडिया पोर्टल होगा वो यूट्यूब, उसमें वीडियोज ऑप्शन होंगे डालने के, पर वो उतना पॉपुलर होगा नहीं। और यहां तो काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, यहां भी तो काउंटर करते करते रहना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के जाना, तो वहां भी वीडियो आएगी, यहां भी वीडियो आएगी, वहां भी पोस्ट होगी, ट्वीट होंगे, जैसा भी ऑप्शन होगा अगर आया तो। और अगर मोदी जी ने कहा कि सोशल मीडिया ये वाला छोड़ ही देना, तो ट्विटर फेसबुक अपन नहीं छोड़ेंगे, बाकी जैसा होगा स्वामी का आदेश। आप तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ना जी, देख रहे हैं, जय श्री राम।